नमस्कार, साइटोक्रोम P450 की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सबस्ट्रेट कैम्फर की चर्चा करेंगे जो चित्र में दिये साइटोक्रोम P450 कैम के क्रिस्टल के ढांचे में उपस्थित है। यह और्गेनिक सबस्ट्रेट हीम आयरन केंद्र के साथ क्रिस्टलित किया जा सकता है। अगर आप इस चित्र में हीम आयरन केंद्र को देखें तो इसका आयरन साइट समतल क्षेत्र यानि की प्लेन से बाहर होता है। इसे या तो ऑक्सिजन से बाइंड होना होगा या इसे अपचयित करना होगा, तभी यह समतल क्षेत्र के भीतर आएगा। किंतु इसका आकर्षक तत्व यह सबस्ट्रेट है जो सब तरफ से प्रोटीन पार्श्व श्रंखला या साइड चेन से जुड़ा रहता है, लेकिन चित्र को स्पष्ट करने के लिए इन्हें हटा दिया है। इस संरचना में ऐक्सियल लिगैण्ड बाइंडिंग द्वारा हीम आयरन केंद्र के निकटवर्ती स्थित होता है, लेकिन कैम्फर सबस्ट्रेट आयरन केंद्र और ऐक्सियल लिगैण्ड से दूरवर्ती स्थान पर स्थित होता है। निकटवर्ती साइट पर जो ऐक्सियल केंद्र है वहाँ सल्फर स्थित होता है जो अपने कोऑर्डीनेशन बॉन्ड के साथ साथ अपनी अन्योन्य क्रिया या इंटरैक्शन के माध्यम से पार्श्व श्रंखला द्वारा भी जुड़ा होता है। यह चित्र जर्नल ऑफ इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है। चित्र में कैम्फर की अभिक्रिया रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट दर्शाई गई है। कैम्फर सबस्ट्रेट पर स्थित एक्सो CH से हाइड्रोजन को पृथक कर हमें H डॉट प्राप्त होता है। यह चयनात्मक अभिक्रिया है। इसके पश्चात इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है और हमें 5 एक्सो हाइड्रोक्सी कैम्फर प्राप्त होता है। कैम्फर का सबस्ट्रेट इस साइटोक्रोम P450 पर आकर्षक दिखता है। इस अभिक्रिया के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है क्योंकि हम इस अभिक्रिया को एंजाइम की रेस्टिंग स्टेट से प्रारंभ कर रहे हैं जो आयरन 3 प्लस स्टेट है। यह 2 इलेक्ट्रॉन हमें NADH द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जो इन इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन के समुद्र से एक एक कर आगे धकेल कर साइटोक्रोम P450 साइट तक पहुँचाते हैं। हमें 2 प्रोटॉन की भी आवश्यकता होती है और इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सिजन भी चाहिए। तो इस तरह हमें ऑक्सिजन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो हमें जल की उपलब्धता कराएगा और सबस्ट्रेट को हाइड्रोक्सिलेशन के पश्चात उसका हाइड्रोक्सिलेटेड उत्पाद बनाएगा। हमने ये क्रियाविधि पहले भी देखी है, इस पर हम एक बार फिर पुनः चर्चा करेंगे। हम एंजाइम की रेस्टिंग स्टेट आयरन 3 कॉम्प्लेक्स से प्रारंभ करते हैं जो आयरन 3 एक्वा कॉम्प्लेक्स भी कहलाती है। यहाँ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जल के अणु को परिवर्तित करता है और सक्रिय साइट के निकट पहुँच जाता है और इसके पश्चात सबस्ट्रेट की उपस्थिति में आयरन 3 अपचयित होकर आयरन 2 प्लस में बदल जाएगा। ये सभी अभिक्रियाओं के केंद्र पोरफायरिन रिंग से बाहर हैं। आयरन 2 जो अभी भी पोरफायरिन रिंग से बाहर है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आयरन 3 सुपरऑक्सो बनाता है। इस अभिक्रिया में आयरन 2 ऑक्सीकरण द्वारा आयरन 3 प्लस बनाता है। इस ऑक्सीजन का अपचयन NADPH से प्राप्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। यह इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर क्लस्टर से होता हुआ अंत में आयरन केंद्र तक पहुंचता है। यह आयरन बाहर से आता है लेकिन ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को आयरन केंद्र से ग्रहण कर सुपर ऑक्सो बनाता है। अब यह सुपर ऑक्सो स्पीशीज एक अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा भी अपचयित हो सकता है और यह दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसे NADPH द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है। यह दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आयरन 3 परऑक्सो इंटरमीडिएट बनाता है। इस आयरन 3 परऑक्सो इंटरमीडिएट के लिए ऑक्सीजन का दोहरा अपचयन हुआ है। अब यह परऑक्सो स्पीशीज एक प्रोटॉन ग्रहण कर एक अन्य इंटरमीडिएट कंपाउंड 0 बनाता है। यह कंपाउंड 0 पोरफायरिन आयरन 3 हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज है जो मैं सोचता हूँ एक रोचक इंटरमीडिएट होता है। यह स्पीशीज बनने के बाद यह अब इस सबस्ट्रेट RH से अभिक्रिया करने को तैयार है जो अभी तक इन अभिक्रियाओं के चक्र का हिस्सा नहीं था, जबकि यह सक्रिय साइट के बिल्कुल सामने स्थित था। यह RH अभिक्रिया के लिए बिल्कुल तैयार है किंतु यह आयरन 3
हायड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ तैयार नहीं है क्योंकि यह पहले एक प्रोटोन ग्रहण कर अपना ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड को तोड़ेगा या क्लीवेज करता है और इसके पश्चात एक तुल्यांक जल के निष्कासन के साथ आयरन IV ऑक्सो इंटरमीडीएट बनाता है। इसके साथ इस कार्यविधि में यहाँ रैडिकल कैटआयन भी उत्पन्न होता है। यह संपूर्ण रूप से दो इलेक्ट्रॉनों की कार्यविधि है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पोरफ़ायरिन द्वारा तथा दूसरा आयरन द्वारा उपलब्ध होता है। इस आयरन IV स्पीशीज़ पर यह डबल बॉन्ड बनता है क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन पोरफ़ायरिन द्वारा तथा दूसरा आयरन III से प्राप्त होता है। इस डबल बॉन्ड के बनते ही हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्साइड के रूप में निकल जाता है। यह हाइड्रोक्साइड HO नेगेटिव प्रोटोनेशन द्वारा जल में परिवर्तित हो जाएगा और हमें आयरन IV हाई वैलेंट ऑक्सो इंटरमीडिएट के साथ पोरफ़ायरिन रिंग पर रैडिकल कैटायन भी प्राप्त होता है। इस स्थिति में यह अतिक्रियाशील इंटरमीडिएट होते हैं और यह RH से हाइड्रोजन को पृथक कर आयरन IV हाइड्रोक्सो बनाता है। इस क्रियाविधि में होमोलिटिक क्लीवेज द्वारा R डॉट और H डॉट उत्पन्न होते हैं जिसका H डॉट इलेक्ट्रॉन पोरफ़ायरिन रेडिकल के शमन कार्य में उपयोगी होता है और आयरन IV हाइड्रोक्सो उत्पन्न होता है। यहाँ जो R डॉट उत्पन्न होता है यह आयरन IV हाइड्रोक्सो के निकट होता है। यहाँ हाइड्रोक्सो का स्थानांतरण R डॉट की ओर होता है और इसके पश्चात इनके बॉन्ड पर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं आप सोच सकते हैं कि यह भी होमोलिटिक क्लीवेज विधि द्वारा होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन OH तथा दूसरा आयरन को मिलता है और यह आयरन III बनाता है तथा यहाँ उत्पन्न हाइड्रोक्सी रेडिकल उपस्थित R डॉट के साथ ROH अणु बनाता है जो अत्यंत रोचक है। अब जल के अणु ROH को धीमी गति से निष्कासित करते हैं और पुनः आयरन III एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो एंजाइम की रेस्टिंग स्टेट होती है। यह नोट करें कि इसी अवस्था में यहाँ रेडिकल की उत्पत्ति होती है और यहाँ से ही रेडिकल क्रियाविधि का प्रारंभ होता है जो अभिक्रिया चक्र को संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाता है। यदि आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है और इस क्रियाविधि अनुसार आपके पास आयरन III स्पीशीज़ उपलब्ध है तो आपको संपूर्ण अभिक्रियाओं के मार्ग जैसे अपचयन ऑक्सीजन को सक्रिय करना इत्यादि विधियों को किए बिना भी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा सीधे आयरन III से आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो इंटरमीडिएट बना सकते हैं। हम इस इंटरमीडिएट की जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। ये इंटरमीडिएट किस प्रकार आयरन III स्पीशीज़ द्वारा बनते हैं आइए इसकी चर्चा करें। यदि आपके पास आयरन III है और आप इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से किसी क्षारक के माध्यम में करें तो क्षारक की उपस्थिति में यहाँ प्रोटोनेशन संभव होता है। यह एक प्रकार की अम्ल क्षारक अभिक्रिया या एसिड बेस रिएक्शन ही होता है। यह सीधे आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है। इस प्रकार क्षारक की उपस्थिति में आयरन और कॉपर दोनों हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। यदि कॉपर हो तो यह कॉपर II अवस्था में होता है और अगर यह हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसी प्रकार अभिक्रिया करता है तो संश्लिष्ट व्यवस्था में भी यह अपेक्षा अनुसार कॉपर II OOH स्पीशीज़ बनाता है। इसी व्यवस्था में हमें आयरन III को आयरन II में अपचयित करने या उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया के पश्चात हमें वही इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जो पूर्व में हमें प्राप्त हुआ था। इसलिए यह कार्यविधि प्राकृतिक रूप से ज्यादा कारगर है जो संपूर्ण रूप से आपको विकल्प विधि द्वारा आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ बना देता है। आपने पूर्व में देखा कि आयरन III को आयरन II में अपचयित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसके पश्चात ऑक्सीजन को
उत्प्रेरित किया जाता है किंतु इस क्रियाविधि में ऑक्सिजन या इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी में भी हमें सीधे आयरन III हायड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ मिलते है। चित्र में अभिक्रिया की क्रियाविधि के चक्र में यदि हम हायड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग आयरन III ऐक्वा कॉम्प्लेक्स पर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट द्वारा जल के अणु को विस्थापित करने के पश्चात करें तो हमें सीधे आयरन III हायड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ मिलते हैं। एक बार आयरन III हायड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ प्राप्त हो गया तो उसके पश्चात साइटोक्रोम P450 एंजाइम अपनी सामान्य उत्प्रेरकी अतिक्रियाशीलता के कार्य को यथावत आगे बढ़ा सकता है। यह परऑक्सो क्रियाविधि या विकल्प क्रियाविधि होती है। संश्लिष्ट व्यवस्था में आप लिगेंड आयरन II या आयरन III को या लिगेंड कॉपर II कॉम्प्लेक्स से प्रारंभ कर इनकी हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया कर संबंधित स्पीशीज़ बना सकते हैं। यह भी संभव है कि आप लिगेंड आयरन II और हाइड्रोजन परऑक्साइड को विकल्प क्रियाविधि द्वारा की गई अभिक्रिया से रोचक इंटरमीडिएट प्राप्त करें। यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज द्वारा अभिक्रिया का प्रारंभ होता है और यहाँ दो तुल्यांक लिगेंड आयरन II से आपको दो तुल्यांक आयरन III हाइड्रोक्सी अर्धांश प्राप्त होता है। क्लीवेज द्वारा दो OH रेडिकल उत्पन्न होते हैं और यह आयरन I अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर आयरन III हाइड्रोक्सी बॉन्ड बनाता है जो अब क्षारक की भूमिका निभाते हुए हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर अपना OH और हाइड्रोजन परऑक्साइड के H डॉट के साथ जल का अणु बनाता है और हमें आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ प्राप्त होती हैं। यहाँ संपूर्ण रूप से पुनः हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ का निर्माण हुआ है जो वास्तव में अद्भुत है। इसी प्रकार अगर हम प्रारंभ से कॉपर को लेकर इसी प्रकार अभिक्रिया करें तो संभवतः यह हमें वैसे ही नतीजे दे। यह यहाँ उपयुक्त नहीं है लेकिन इस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप कॉपर I कॉम्प्लेक्स लेते हैं जैसे आपने आयरन II कॉम्प्लेक्स लिया था और उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से करें तो हमें मिश्रित यौगिक प्राप्त होते हैं क्योंकि यह पार्श्व अभिक्रिया द्वारा होता है और संश्लिष्ट रसायन में यह संभव है। कोई भी मेटल पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते। यह बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट लिगेंड के रूप में उपस्थित रहते हैं। यह मोनोडेंटेट लिगेंड भी बनाते हैं और अगर कुछ भी नहीं है तो यह जल के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यह मेटल आयरन कैसे भी सहसंबंध बना लेते हैं इसलिए यह जैविक परिस्थितियों में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। चित्र में लिगेंड कॉपर I कॉम्प्लेक्स इसी प्रकार आयरन स्पीशीज से तुल्यात्मक पद्धति द्वारा अभिक्रिया करेगा। यह कॉपर I अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का होमोलिटिक क्लीवेज द्वारा हमको दो OH हाइड्रोक्सी रेडिकल उत्पन्न होते हैं और यह दो तुल्यांक लिगेंड कॉपर II हाइड्रोक्सो स्पीशीज बनाता है। चित्र में यह कॉपर II हाइड्रोक्सो स्पीशीज पुनः हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। आप कह सकते हैं यह लिगेंड एक्सचेंज के प्रकार की अभिक्रिया करता है और एक जल के अणु के साथ कॉपर II हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज का निर्माण करता है। यह उसी प्रकार होता है जैसे आपने आयरन के विषय में देखा था। इस क्रियाविधि द्वारा ही आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो या कॉपर II हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज का निर्माण होता है। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया तब संभव होती है जब हमें ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता से संबंधित कोई समस्या होती है। अगर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी हो और हाइड्रोजन परऑक्साइड की मौजूदगी हो तो यह परऑक्साइड क्रियाविधि द्वारा कंपाउंड O बनाएगा जो ऐसी स्थिति में अभिक्रियाशील होते हैं। एक बार यह कंपाउंड O बन गया तो यह कंपाउंड I बनाएगा जो आयरन V ऑक्सो
या आयरन IV ऑक्सो रैडिकल कैटआयन होता है। इसके पश्चात यह कम्पाउण्ड 2 बनाएगा जो आयरन IV हाइड्रोक्सी होता है। यह महान यौगिक होता है। हम इस उत्प्रेरकी चक्र को अलग प्रसंग और रिव्यू के माध्यम से एक बार पुनः चर्चा करें। नम और कोवर्कर्स द्वारा यही अभिक्रियाओं की कार्यविधि प्रसंग को थोड़ा अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। इस चित्रण में आयरन केंद्र को पोरफ़ायरिन अर्धांश से बाहर की ओर स्थापित किया एवं दर्शाया गया है। वास्तव में यह सही चित्रण है जहाँ आयरन केंद्र का स्थान पोरफ़ायरिन की तुलना में किस प्रकार होता है यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यह आयरन III प्लस पोरफ़ायरिन की कैविटी से बाहर होता है और S cis अर्धांश से बाउण्ड होता है और यह RH से दूरवर्ती साइट पर स्थापित है। यह एंज़ाइम की रेस्टिंग स्टेट है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस आयरन को अपचयित करता है और यह अभी भी पोरफ़ायरिन रिंग के बाहर ही स्थित है तथा RH यथावत उसी स्थान पर स्थित है जहाँ वो पहले से मौजूद था। अब ऑक्सिजन आकर आयरन से बाउण्ड करता है। बाइंडिंग से कोई विशेष फर्क नहीं होता किंतु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होते ही छटा लिगैंड निकाय सक्रिय हो जाता है क्योंकि यह स्पीशीज़ वास्तव में 4 लिगैंड निकाय वाली होती है। इस प्रकार ऑक्सिजन के आने से छटा लिगैंड निकाय सक्रिय होता है। पांचवा लिगैंड पर S cis अर्धांश से बाउण्ड होता है और चौथे लिगैंड से पोरफ़ायरिन अर्धांश से बाउण्ड होता है। यह ऑक्सिजन अब आयरन द्वारा अपचयित होती है और हमें आयरन III सुपरऑक्सो प्राप्त होता है। यह वही क्रियाविधि है जो आपने पिछली स्लाइड में देखी थी। यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने पर हमें आयरन III परऑक्सो प्राप्त होता है जैसा हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी। इसके पश्चात प्रोटोनेशन द्वारा हमें आयरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ प्राप्त होती है जिस पर S cis अर्धांश यथावत वैसे ही बाउण्ड होता है। एक अतिरिक्त प्रोटोनेशन द्वारा आयरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ आयरन IV ऑक्सो रेडिकल कैटायन बनाता है। जैसा आपने देखा यहाँ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण और डबल प्रोटोनेशन की प्रक्रिया होती है। यह सब ऑक्सिजन को संक्रियण करने के लिए इसके मध्यस्थ होने वाली घटनाएं हैं। यह अत्यंत रोचक है जैसा चित्र में यह रेडिकल कैटायन यहाँ स्थित पोरफ़ायरिन अर्धांश पर केंद्रित है और यह रेडिकल कैटायन का विस्थापन या डीलोकलाइजेशन पूरे पोरफ़ायरिन अर्धांश पर होता है। यह एक रोचक बात है कि यहाँ आयरन V ऑक्सो स्पीशीज़ को बनने नहीं दिया जाता क्योंकि इसकी उत्पत्ति संभवतः अतिरिक्त ऊर्जा की मांग करती है। इसलिए इस संपूर्ण क्रियाविधि में पोरफ़ायरिन अर्धांश का सहयोग और भागीदारी अहम कार्य करती है। आपने देखा किस सुंदरता से प्रकृति ने अपनी रणनीति बनाई है। जब अतिक्रियाशील इंटरमीडिएट की आवश्यकता होती है तो प्रकृति वास्तव में हाई वैलेंट ऑक्सीडाइज इंटरमीडिएट बनाती है। प्रकृति यह भी निर्णय लेती है कि कब और किस समय इसे पोरफ़ायरिन रिंग को ऑक्सीडाइज करना है। इसलिए आयरन V ऑक्सो स्पीशीज़ को बनने के बजाय यह आयरन IV को ही अभिक्रिया में शामिल करने या उपयोग करने का निर्णय लेती है तथा अन्य पोरफ़ायरिन केंद्र को ऑक्सीडाइज कर रेडिकल कैटायन बनाने का भी निर्णय लेती है। मैं ये सोचता हूँ कि यह अद्भुत है कि एंजाइम के स्तर पर इस प्रकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण बिल्कुल असाधारण कार्य है। हम आगे इस प्रकार के सुंदर रसायन को विभिन्न एंजाइमेटिक परिस्थितियों में बार बार देखेंगे। इसके पश्चात आयरन IV हाइड्रोक्सो स्पीशी एक हाइड्रोजन परमाणु RH सबस्ट्रेट से लेता है और इस स्थिति में यह RH अभिक्रिया का हिस्सा बनता है जो अभी तक केवल सबस्ट्रेट का कार्य कर रहा था। यह इस स्थिति में क्रियाशील हो जाता है और उत्पाद का निर्माण करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको साइटोक्रोम P450 की कार्यविधि स्पष्ट हो गई होगी। हमने देखा कि यह सुंदर अभिक्रियाएं
किस प्रकार आगे बढ़ती है और इनको सारांश में भी बहुत स्पष्टता से दर्शाया जा सकता है। अब हम अभिक्रिया की क्रियाविधि से निकल कर कुछ अन्य अभिक्रियाओं को देखें। चित्र में इन अभिक्रियाओं को हम पहले भी देख चुके हैं। यह कोई थका देने वाली सूची नहीं है बल्कि यह स्लाइड विभिन्न अभिक्रियाओं की समीक्षा है जो आपने पहले नहीं देखी होगी। यह अभिक्रियाएं साइटोक्रोम P450 एंज़ाइम द्वारा या तो रूपांतरित करने का कार्य करती है और या इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करती है। यह अभिक्रियाएं केमिकल रिव्यू 1996 से प्राप्त की गई है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं संभव हैं। हमने अभी तक कुछ ही अभिक्रियाओं की चर्चा की थी। अब हम उनकी चर्चा करेंगे जो हमने अभी तक नहीं की, जैसे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन अभिक्रिया जिसमें अल्फा कार्बन केंद्र का हाइड्रोक्सिलेशन होता है और उसके पश्चात इसके केंद्र पर पुनर्विन्यास द्वारा कीटोन के निर्माण के साथ अमोनिया का उत्सर्जन होता है। अगर आपके पास हैलोजिनेटेड यौगिक है जिसमें हैलोजन अल्फा कार्बन केंद्र पर स्थित है, इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है और इसके पश्चात इसके केंद्र पर पुनर्विन्यास द्वारा कीटोन उत्पाद प्राप्त होते हैं। यदि आपके पास अल्कोहल या एल्डिहाइड अल्फा कार्बन केंद्र पर स्थित है तो आपको अल्फा अल्फा डाइहाइड्रोक्सी यौगिक प्राप्त होते हैं जो हाइड्रोजिनेट होने के बाद कीटोन यौगिक का निर्माण करते हैं। इन सभी विषयों में आपको अंततः कीटोन यौगिक प्राप्त होते हैं। यदि आपके पास अल्फा कार्बन केंद्र है और इस पर एमीन या हैलोजन या हाइड्रोक्सी स्थित है तो यह सभी अंततः इस एंजाइम द्वारा पूर्णतः हाइड्रोक्सिलेट होते हैं। यह इन अभिक्रियाओं की सुंदरता है। यह सभी हाइड्रोक्सिलेट होने के पश्चात कीटो उत्पाद का निर्माण करते हैं और यह सभी अभिक्रियाएं आश्चर्यजनक रूप से इस एंजाइम द्वारा की जाती है। यह अतिक्रियाशील साइटोक्रोम P450 एंजाइम अत्यधिक ऊर्जावान भी होती है, किंतु यह कभी कभी अपने कार्य के प्रति छलकपट भी कर सकती है, लेकिन यह ज्यादातर उपयोगी ही साबित होती है, किंतु कभी तो यह हानिकारक भी हो सकती है। यदि आपके पास एल्डिहाइड सबस्ट्रेट है जो अल्फा कार्बन केंद्र पर स्थित है तो यह एंजाइम इसके CH बॉन्ड को हाइड्रोक्सिलेट करने के पश्चात इसे अम्ल या एसिड यौगिक में बदल देती है। यदि आपके पास एलिफैटिक सबस्ट्रेट है तो यह एंजाइम दो प्रकार से अभिक्रिया करेगा। एक तो यह हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रिया करेगी और इसके अतिरिक्त एलिफैटिक सबस्ट्रेट या एल्केन के एक हाइड्रोजन को निष्कासन के पश्चात एवं अनुकूल सबस्ट्रेट की उपस्थिति में यह संभवतः डबल बॉन्ड या असंतृप्त यौगिक बनाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यह इस विधि में उपयोगिता अनुसार एल्केन से एल्कीन प्राप्त होते हैं। यदि आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी जैसे एसिड एनालाइट के प्रकार का सबस्ट्रेट इसके साथ मौजूद है तो ऐसे यौगिक में दो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन और दो प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। यहाँ आपको सेमी क्यूनॉन या क्यूनॉन के प्रकार का इंटरमीडिएट या अमीनो क्यूनोलाइन प्रकार का इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। यह भी संभव है कि यह एंजाइम डिहाइड्रेशन अभिक्रिया करें। यदि आपके पास हाइड्रोक्सी अमीन है तो यह डिहाइड्रेशन अभिक्रिया द्वारा एसीटोनाइट्रिल के प्रकार का यौगिक बनाएं। यदि आपके पास अल्फा पोजीशन पर एक ओर हाइड्रोपरोक्सीलेट ग्रुप है और दूसरी ओर ओलिफिन स्थित है तो ऐसी अवस्था में यह एंजाइम डिहाइड्रेशन अभिक्रिया के बाद ओलिफिन केंद्र पर अल्फा पोजीशन पर इपॉक्साइड बनाता है। इसी प्रकार ये एंजाइम अनेकों अभिक्रियाएं करने में सक्षम हैं। इन सब पर चर्चा मुश्किल है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यह अनेकों प्रकार की अभिक्रियाएं बहुत दिलचस्प हैं। इस एंजाइम का क्षितिज और इसकी अभिक्रियाएं जिस स्पेक्ट्रम द्वारा होती हैं, मैं सोचता हूँ
यह उल्लेखनीय है। कोई भी अन्य एंज़ाइम इतनी उपयोगी नहीं है जितनी साइटोक्रोम P450। इसी प्रकार किसी भी अन्य एंज़ाइम का संश्लिष्ट रसायन में इतनी श्रेष्ठता से प्रयोग नहीं होता जितना इस एंज़ाइम का होता है, किंतु इसकी अतिक्रियाशीलता और इसकी अभिक्रिया को चयनात्मक बनाने के साथ साथ इसकी उपयोगिता के मध्यस्थ होने वाली पार्श्व अभिक्रियाओं को समाप्त करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यह देखते हुए संश्लिष्ट केमिस्टों ने संश्लिष्ट कार्य पद्धति विकसित करने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से यह इन अभिक्रियाओं की नकल कर सकें। यह संश्लिष्ट अभिक्रियाएं वास्तव में कठिन लेकिन यह रसायन अत्यंत प्रोत्साहन द्वारा किया जाता है, जैसे आप उत्प्रेरकी व्यवस्था में देख सकते हैं। यह अभिक्रियाएं ऑक्सिजन के अणुओं को या अतिक्रियाशील स्पीशीज़ के तथ्यों का उपयोग करती है। इस साइटोक्रोम P450 के विभिन्न रूपांतर हैं जो इन पर स्थित सबस्ट्रेट पर निर्भर करते हैं। आप सोच सकते हैं इन विभिन्नताओं में अनेकों प्रकार के सबस्ट्रेट का क्या उपयोग हो सकता है। इस स्लाइड में दिए उदाहरण में एलिफैटिक एल्डिहाइड सबस्ट्रेट पर आयरन III परऑक्सो स्पीशीज़ की अभिक्रिया होने पर यह एल्डिहाइड हमें आयरन III अल्काइल परऑक्सो इंटरमीडिएट देता है। यह आयरन III परऑक्सो से हमें अल्काइल परऑक्सो इंटरमीडिएट मिलता है जो रिबाउंड होकर फॉर्मिक एसिड देता है। यह पूर्ण रूप से डीफॉर्माइलेशन अभिक्रिया हो रही है। यह बहुत दिलचस्प एंजाइम है और साइटोक्रोम P450 की विभिन्नता द्वारा यह डीफॉर्माइलेशन अभिक्रिया भी संभव हो जाती है। अगर आपके पास एल्डिहाइड अणु या एल्डिहाइड अर्धांश किसी ऑर्गेनिक अणु पर स्थित है तो यह एंजाइम अभिक्रिया के पश्चात एल्डिहाइड अर्धांश को पूर्णतः अलग कर देती है और सामान्य ऑर्गेनिक अणु या डीफॉर्माइलेटेड ऑर्गेनिक अणु बनाती है। इस उदाहरण में अभिक्रिया के प्रारंभ में हमने 19 ऑक्सो एंड्रोस्टीन डायोन लिया था और इसकी साइटोक्रोम P450 ARM यानी एरोमेटिक जोन द्वारा अभिक्रिया के प्रभाव देखा। यहाँ हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें हम लगभग वैसा ही एरोमेटिक सबस्ट्रेट लेते हैं किंतु यह थोड़ा अलग है। यह 32 ऑक्सो लेनोस्टेरॉल है। यह सुंदर अभिक्रिया पिछली अभिक्रिया के समान होती है और इसमें भी डीफॉर्माइलेशन अभिक्रिया होती है। यहाँ भी आयरन III परऑक्सो एल्डिहाइड अर्धांश पर आक्रमण करता है और डीफॉर्माइलेशन अभिक्रिया के पश्चात फॉर्मिक एसिड बनाता है। हम अगली कक्षा में भी साइटोक्रोम P450 पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा यह साइटोक्रोम P450 की अभिक्रिया बहुत ही आसान और उपयोगी है। यह एंजाइम हाई वैलेंट ऑक्सो इंटरमीडिएट बनाते हैं और लगभग वह सभी प्रकार की ऑक्सीडेशन रसायन करने में सक्षम है जो आप सोच सकते हैं। इसका रसायन इतना शक्तिशाली होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए यह अत्यंत चिंता की अभिक्रियाएं साबित होती हैं, क्योंकि साइटोक्रोम P450 किसी भी दवाई या ड्रग जो हम अपनी शारीरिक समस्या के लिए अपने शरीर में ग्रहण करते हैं यह उससे अभिक्रिया कर नए मेटाबोलाइट्स बना देते हैं या उन्हें निम्नकृत कर देते हैं और या इनके कार्य को और जटिल कर देते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस साइटोक्रोम P450 को कभी कभी भय के रूप में देखती है। यह बहुत अच्छी और बहु उपयोगी एंजाइम है और संश्लिष्ट रसायन का विशेष अंश है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम द्वारा अविश्वसनीय स्वच्छ एवं बहु उपयोगी रसायन का परिचय दिया जाता है। हम अगली कक्षा में भी यह देखेंगे।